यू ऑल लवली बडीज, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग फन. और उसी फन को और बढ़ाने के लिए मैं ले आई हूं आपके लिए यहां पे अ लेटर टू गॉड. देखो, या तो इंसान नास्तिक होता है या आस्तिक होता है. यू नो दैट इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नास्तिक और आस्तिक के लिए, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, दैट अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन गॉड और अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड. नाउ हु आर यू, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, प्रेजेंट लगाओ. और मैं तब तक बताती हूँ अपना इंट्रोडक्शन. मेरा नाम है पूजा शर्मा और मैं आपको ले आई हूँ यहाँ पर क्लास 10th की जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट. उस फर्स्ट फ्लाइट की जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट चैप्टर इज, उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, अ लेटर टू गॉड. अ लेटर टू गॉड के बारे में बात करेंगे. देखो, जब एग्जाम आते हैं तब हमें ज़रूर से भगवान याद आते हैं. जब हम किसी दुविधा में फंस जाते हैं, हमने बहुत बड़ा एक कुछ कांड कर दिया है, प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तब हम भगवान को बोलते हैं, भगवान इस बार बचा लो, प्लीज़ बचा लो, आगे से कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे. ये सब जने करते हैं, राइट? लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, उस अच्छे काम को कंटिन्यूटी में रखने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं फीडबैक मिला है, तब भी आपने भगवान को, गॉड को प्रे किया कि भगवान देखो मेरी मेहनत की हुई है, प्लीज उस मेहनत को सफल कर देना. होता है. और उस वक्त जरूर से, चाहे भगवान डायरेक्टली आपके पास आए ना आए, वो एक फरिश्ता जरूर से भेजते हैं और उस फरिश्ते के थ्रू हमारा काम बन जाता है. इसी तरीके की ये स्टोरी, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लाइक इट. मैं फटाफट से आपको समराइज करूंगी इसका, एंड समरी के साथ साथ मैं बीच में जो मेरे क्वेश्चंस पूछने की आदत है ना, वो शायद आपके बहुत काम आने वाली है, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चंस आपके, अभी वो जमाना गया जहां पर चैप्टर के बैक में से क्वेश्चंस आ जाते थे, आफ्टर द चैप्टर जो क्वेश्चंस होते थे वो आजकल एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है, पैराग्राफ की समरी पूछी जाती है, उस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो हम भी उसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनके क्वेश्चंस को लेते हुए आगे बढ़ेंगे. एंड एट लास्ट आल्सो आई हैव समथिंग फॉर यू. सो प्लीज अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और बैठ जाइए तसल्ली से एंड एंजॉय दिस क्लास. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, पढ़ने का तरीका क्या होता है बताते हैं. सबसे पहले अगर आपको अप टू द मार्क जाना है, आपको पूरे से पूरे नंबर लेके आने हैं, तो डेफिनेटली यू शुड नो चैप्टर का पूरा पूरा नाम क्या है, है ना. बच्चे लोग बोलते हैं लेटर वाला चैप्टर ना, लेटर वाला चैप्टर नहीं, अ लेटर टू गॉड पूरा चैप्टर. फिर आता है हमारे पास में कि उसके ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर. जहां आपको एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन आया है या नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा गया और आपने वहां ये एक लाइन लिख दी, दैट दीज लाइंस आर बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड द ऑथर ऑफ द चैप्टर वांट्स टू टेल अस, और वो ये हमें समझाना चाहते हैं, उन्होंने ये बात बताई है, तो वहां जहां आपने ऑथर का नाम लिख दिया, वहां आपने अपने लिए एक सोने की सीढ़ी बना दी. दैट मींस यू आर गोइंग टू हैव गुड मार्क्स डेफिनेटली. सो यहां हमारे जो ऑथर हैं, हमारा जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके ऑथर कौन है, उनके ऑथर का नाम है जॉर्जिया लोपे वाई फिंटस. ये इनका पूरा नाम है, आप इनको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, दैट इज JL फिंटस. इनके बारे में देखो, ध्यान से देखो, ये इनके बारे में भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हर एक चीज जो यहां पे है वो शॉर्ट में लाई गई है, सो दैट आपको फटाफट से क्विक रिवीजन हो जाएगा. सी, इनका, इनके बारे में क्या, सबसे पहले ये मेक्सिकन नॉवेलिस्ट थे. फर्स्ट पॉइंट याद रखना कि ये क्या थे. देखो, मेक्सिकन नॉवेलिस्ट थे, पहला ही पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका. सेकेंड, ये जर्नलिस्ट भी थे. साथ ही साथ में इन्होंने, जैसे आप सभी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, हिस्ट्री आपको हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताती, वैसे ही एक बारी एक मैक्सिकन रेवोल्यूशन भी हुआ था. तो ये उनमें से ही थे, लीडिंग क्रॉनिकलर्स में से थे वहां पे. एंड उन्होंने उसी एज में, कौन से, जब वो फ्रेंच सॉरी मैक्सिकन रेवोल्यूशन का पार्ट चल रहा था, जब ये 15 साल के थे, उस वक्त से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था. मैक्सिकन रेवोल्यूशन बिगेन एंड ही वॉज बॉर्न इन मैक्सिको. नाम से पता चल रहा है कि अगर मेक्सिकन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड की बात है, तब मतलब इनको इम्पैक्ट पड़ा है इनकी राइटिंग पे उसका, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे याद ना करके सिर्फ इसको कनेक्ट करते हुए, रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन
सॉरी इन 1897 कब हुआ इनका जन्म, 1897 में हुआ था ऑन 17 दिसंबर। यहां तक हमने बात किसकी की है, हमारे ऑथर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, फिर से याद कर लेना आप, और जहां एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दे वहां पे आपको आंसर में ऑथर का नाम जरूर से लिखना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आगे जानते हैं हम कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स है, व्हाई कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो कैरेक्टर्स में से डेफिनेटली आता है। क्या क्वेश्चन आता है, या तो हमें बता दिया जाता है कि इस कैरेक्टर के बारे में डिटेल में बताइए, या उनका रोल क्या था उसके बारे में बताइए, तो कैरेक्टर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो सेकंड स्टेप आपका यहां पे होता है कैरेक्टर, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, पात्र कहते हैं। हिंदी में जिन्हें क्या कहा जाता है, पात्र कहा जाता है, यानी कि इसके किरदार कौन है। तो इनमें दो किरदार है, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर इज लेंचो, लेंचो जो मेन कैरेक्टर है, एंड द सेकंड कैरेक्टर इज पोस्टमास्टर। यस, लेंचो जो है वो कौन है, वो एक फार्मर है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। लेंचो एक फार्मर है, और इसकी कौन सी फील्ड है, इसके कॉर्न फील्ड्स है, है ना, मक्का, मक्का। वैसे तो कॉर्न जो है वो अनाज के लिए बोला जाता है बेसिकली, लेकिन एक कॉर्न फील्ड इसकी है, और इसने क्या किया है, इसने वहां पर हार्वेस्टिंग कर दी है। अब वो इंतजार कर रहा है बारिश आने का। तो यहाँ पे लेंचो की बात हो चुकी है। फिर आता है पोस्टमास्टर। क्यों पोस्टमास्टर की बात हो रही है यहाँ पे किडोज, क्योंकि हम लेटर की बात कर रहे हैं। देयर वॉज अ लेटर, यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है, और उस लेटर से रिलेटेड हमें बात पता होनी चाहिए। तो लेटर कौन रिसीव करने आएगा, लेटर कौन रिसीव करने आएगा बताओ, तो लेटर रिसीव करने आएंगे पोस्टमैन। और वो पोस्टमैन जो है वो उस लेटर को लेके जाएंगे और देंगे किसको, पोस्टमास्टर को। सो दैट्स व्हाई पोस्टमास्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस चैप्टर में। आई होप कैरेक्टर्स आर नाउ क्लियर। तो बस कहानी बनती है, शुरू करते हैं हम हमारी कहानी। सी, जब हम बात करते हैं लेंचो के बारे में, उससे पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे बिफोर यू रीड पार्ट में। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, भाई सुना है, सबने ही सुना है कि अगर आप विश्वास करते हो तो विश्वास से चट्टाने भी हिल जाती हैं। सुना है सभी ने, वही इंग्लिश में यहाँ पे थॉट लिखा हुआ है, दैट दे से फेथ, अगर आप में फेथ है, फेथ के लिए आप बहुत सारे वर्ड्स देखो याद रख सकते हो। फेथ है अगर आप में किसी चीज को लेकर के, विश्वास है, ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, सिनोनिम एंटोनिम्स भी पूछता है। तो डेफिनेटली आपको ऐसे वर्ड्स को यहीं पे लिख लेना है, फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ, ये सारे चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। चलो नेक्स्ट, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हम लोग बिल्कुल, आज का बच्चा तो ज्यादा क्वेश्चन करता है, मैं किस में विश्वास करूं, मैं सोमवार का व्रत कर लूंगा क्योंकि हमें हमारा फ्यूचर अच्छा चाहिए, हम मंगलवार का व्रत कर लेंगे क्योंकि हमने धारण कर ली है अभी तक बात कि जब तक ना हो जाए हमारी 12th class पूरी तब तक हम बिल्कुल सन्यासी रहेंगे। फिर बुधवार का, यानी कि हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं, वेडनेसडे के, मैं एक जगह, मतलब एक जगह है फेमस है, मैंने देखा है कि वेडनेसडे के लिए लोग ना बहुत दूर दूर से गणेश मंदिर में जाते हैं, वहां पे पूजा अर्चना करते हैं क्योंकि उनको नए काम की शुरुआत करनी होती है। तो इस तरीके से हम ना, जैसे जितने जितने वीक में जितने डेज होते हैं ना, उतने ही हम लोग क्या करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। आज इस भगवान को मना लिया, उस दिन उस भगवान को मना लिया, तो क्या होता है, आपका फेथ किस में है ये आपको नहीं पता होता। और यही देखो कितना प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, हम किसमें विश्वास करें। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पजेसेस। अब डेलिकेटली का मतलब मैंने यहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। देखो, मैं नहीं बिलीव करती हूं कि इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाया जाए, लेकिन क्या कह सकते हैं कि मजबूरी ऐसी ही होती है कि हमें इंग्लिश को हिंदी में करके पढ़ाना होता है, बिकॉज हमारी जो लैंग्वेज है उसमें जल्दी समझ में आता है। बट यहां पे सिर्फ समझाने के लिए हिंदी लिखा है, एग्जाम में हिंदी नहीं आएगा आपके, एग्जाम में हिंदी पूछा भी नहीं जाएगा आपके। सो डोंट यू ट्राई टू लर्न डायरेक्ट दिस मीनिंग, नहीं, आप ये वर्ड पहले याद करो कि डेलिकेट है, डेलिकेट है मतलब सेंसिटिव है, सेंसिटिव भी ना समझ में आ रहा है तो हम याद करेंगे कि अति संवेदनशील। ओके, हर एक लेवल के बच्चे के लिए इस क्लास में कुछ ना कुछ है उसको केटर करने के लिए, तो डोंट वरी। तो ये स्टोरी हमें कुछ चीजें सिखाएगी, वो जो ऐसी सेंसिटिव है ऐसी ही डेलिकेट है। लेंचो, लेंचो कौन है, जो मेन कैरेक्टर है हमारे स्टोरी का, ही इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड।
लेंचो ने लिखा है गॉड को, तो यहाँ पे पहला अगर क्वेश्चन आ जाए, हु राइट्स, बाय चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट हु राइट्स लेटर टू गॉड, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, फटाफट से कमेंट भर दो फटाफट से. व्हेन, कब लिखता है, व्हाई लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड. सेकंड क्वेश्चन आया आपके पास में, व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से देखो एक ही लाइन में से मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए. पहले मैंने बना दिया किसने लिखा, क्यों लिखा और क्या मांगा उसमें. सो हु रोट द लेटर टू गॉड, लेंचो रोट द लेटर. हु वाज लेंचो, लेंचो वाज अ फार्मर. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मैंने बनाया आपके लिए, व्हेन डज ही राइट अ लेटर, कब वो लिखता है खत, कब लिखता है, जब उसकी क्रॉप्स जो है वो रुइन हो जाती है. रुइन होना, खराब होना, डैमेज हो जाना, स्पॉइल्ड हो जाना, उन सब वर्ड्स के लिए ये यूज किया जाता है. और उसमें क्या लिखता है खत में, व्हाट ही राइट्स इन हिज लेटर टू गॉड. सो ही आस्क्स फॉर अ हेल्प, वो क्या मांगता है, वो मदद मांगता है कि भगवान मेरी मदद कर दो, प्लीज हेल्प मी गॉड एंड सेंड मी 100 पेसोस. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पेसोस, देखो पैसा शब्द सबने सुना है ना, क्या मांगता, पैसा मांगता, तो पैसा सबने सुना है. पेसोस जो है वही वर्ड जो है करेंसी के लिए यूज किया जाता है. क्या है ये, एक करेंसी है. जैसे इंडिया में रुपए चलते हैं, वैसे ही अगर हम बात करें ओल्ड जमाने की, पुराने जमाने की बात करें, तो वहां पे क्या चलता था, पेसोस चलते थे. तो ये वही करेंसी का नाम है, इतना याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है. नाउ अब क्वेश्चंस मैं पूछती हूं, क्या लगता है आपको, क्या लेंचो का जो खत है वो गॉड तक पहुंच पाएगा, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड. पहला क्वेश्चन क्या लगता है आपको, कमेंट्स में ये सारे आंसर्स आने चाहिए. डज गॉड सेंड हिम द मनी, और क्या अगर वो खत पहुंच जाता है भगवान तक, तो भगवान उसे खत में वापस रिटर्न में क्या करेंगे, उसे रिटर्न गिफ्ट देंगे, उसे 100 पेसोस देंगे या नहीं देंगे. व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे आपका बिलीफ आता है, यहाँ पे आपका फेथ काम करता है कि आपको क्या लगता है, आप कितना फेथ करते हैं भगवान में. क्या आपको लगता है कि सच्ची में अगर मैं कभी खत लिखूं भगवान को, तो मेरे पास में वापस रिटर्न में कोई हेल्प आएगी, मेरा खत भगवान तक जाएगा, खत लिखने की जरूरत भी है क्या, सिर्फ आंखें बंद करके प्रेयर कर लेते हैं और वो भी एक्सेप्ट हो जाती है. यही सारी चीजें हैं, बस बताने का तरीका अलग है यहां पे. सो थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. सो आप सोचो सोचो सोचो, तब तक हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो देखो मैंने यहां पे पूरी स्टोरी नहीं ली है, बिकॉज वी जस्ट हैव टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट पार्ट जो कि आपके एग्जाम में एज अ पैसेज पूछे जा सकते हैं, और जो कंबाइनली आपको पूरी एक स्टोरी का समरी दे दे. ओके, सो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. वैली मींस क्या होता है, वैली मींस होता है घाटी. तो एक घर है उस घाटी में, उस एरिया में एक ही घर है, और वो घर किसका है, लेंचो और उसकी फैमिली का है. और वो कहां है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. अब देखो मैं आपको एक इमेज बताती हूँ क्रेस्ट की. दिस इज द क्रेस्ट. क्रेस्ट क्या होता है, लो हिल मतलब जो छोटी सी ढलान के साथ में होता है उसे कहा जाता है लो हिल. तो आप देख सकते हो इस तरीके की जो ये है ये क्या कहलाती है, अच्छा ऊपर. क्रेस्ट मतलब क्या हुआ, उसका जो ऊपर की सतह है. क्रेस्ट मींस क्या होता है, अर्थ क्रेस्ट. अगर आपने सुना होगा अर्थ क्रेस्ट मतलब अर्थ के ऊपर की सतह. तो यहां पे ये जो ऊपर वाली लेयर है उसके लिए क्रेस्ट वर्ड यूज किया गया है. ओके, सो दिस इज पिक्चर, एंड ये फील्ड की ही पिक्चर ली गई है ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्या कहां पे रहते हैं. ओके, सो क्रेस्ट मींस क्या है, समिट. अच्छा क्रेस्ट समिट वर्ड आपने जरूर से 8th क्लास में एक स्टोरी पढ़ी होगी. दैट स्टोरी नेम वॉज द समिट विद इन, which was written by HPS Ahluwalia. Remember that? तो उन्होंने summit किया था. कहाँ पे गए थे? वो mountain में चढ़े थे. उसकी बात नहीं करते, लेकिन summit word पहले भी आ चुका है. वही summit word आपको वापस से recall करता है, और अब इस class में आपको advanced word बताता है, that is called as crest, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शिखर. ठीक है, अब वहां से वो क्या क्या देख सकते हैं, वो रिवर देख सकते हैं, वो फील्ड देख सकते हैं ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स लाइक दिस. जो फील्ड है वो फील्ड मतलब जो वहां पर खेती करने के लिए पूरी जमीन है, वहां पे आपको दिखेंगे कॉर्न, मक्के, और मक्कों के बीच में प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से फ्लावर्स भी आते हैं. अगर आपने कभी भी मक्के का खेत देखा है तो डेफिनेटली आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, इसी तरीके से दिखाई देते हैं वो. ओके, एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. क्या प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा अच्छी ही होगी फसलें, जो है वो अच्छी होंगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका एक और, कि क्या वो चीज अकेली चीज है जो अर्थ को उस वक्त जरूरी थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउनपोर, डाउन
पॉर मतलब कि बारिश होना, बारिश की बहुत जरूरत थी उस वक्त, और एटलीस्ट अ शावर, शावर शावर मींस क्या, बुछारे हो जाए, छोटी मोटी सी बारिश हो जाए, तो शावर मींस क्या हो गया, बुछारे, यानी कि छोटी मोटी सी बारिश हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए, उसको उसके लिए कहा जाता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अब देखो इंटीमेट वर्ड बहुत इजीली सुना है आपने, डेफिनेटली, अरे शर्मानेगा नहीं, इंटीमेट वर्ड बहुत आसानी से सुना है, लेकिन हमने क्या है उसको एक एक तरीके से सेगमेंट में डाल दिया कि इसका मतलब यही होता है, नहीं, इंटीमेट मतलब जो आपके परिचित है, जो आपके क्लोज है, या जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके लिए वर्ड होता है ये चीज। तो इंटीमेटली के लिए हम लोग वर्ड के लिए क्या कह सकते हैं, घनिष्ठता से। ओके, जब यहां पे किसकी बात हो रही है, लेंचो, लेंचो सुबह से देख रहा था उन फील्ड्स को और चाह रहा था कि अर्थ को अब किसकी जरूरत है, अर्थ नीड्स डाउनपोर, हैवी मतलब रेनफॉल हो जाए, और वो देख रहा था अपनी फील्ड्स की तरफ जिसके साथ में वो घनिष्ठता रखता है, क्लोज रिलेशनशिप है उसके साथ में, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, और दिन भर बैठे बैठे वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, स्काई को देख रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। यहां पे आपका एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है, दैट इन विच डायरेक्शन, with the hope of downpour, Lencho was looking at. So, Lencho कहाँ देख रहा था? North east direction में देख रहा था, because he wanted कि वहाँ से बारिश होगी. Okay, so यहाँ से एक और question आता है आपके लिए. I hope it's clear to you. Now moving ahead. But in the hearts of all who lived in that solitary house, solitary word आया है आपके लिए. What is the meaning of solitary? It means being the lonely one. यानी वहाँ उस जगह पे जो crest बताया, जो low hill बताई, वहाँ पे सिर्फ एक घर था, और वो एक घर किसका था, सिर्फ और सिर्फ लेंचो का था, और लेंचो की फैमिली रहती थी इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप। अब वहां पे सबको पता है, उनकी फैमिली में सबको पता है कि एक ही होप है बारिश होने की, एंड दैट इज फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि कल ही हम पास हो जाए, आज एग्जाम दे के आए, भगवान चमत्कार कर दो, मेरे ना बोर्ड में अच्छे से पास करवा देना, भगवान जो कहोगे वो मैं करूंगा, बट वो मैं मेरी इच्छा अनुसार करूंगा, है ना, बोलते ना हर्षदान अनुसार कर दूंगा, भगवान मैं ना ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, लेकिन श्रद्धा अनुसार वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई लगा देते हैं हम, जब टाइम मिलेगा तब करूंगा, भगवान मैं कल ही दर्शन करने आ जाऊंगा, आप आज बचा लो मम्मी पापा की डांट से, और फिर वो कल कब आएगा, कंडीशन अप्लाई, वैसी वाली चीज हो जाती है। चलो जोक से पार्ट, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो यहाँ पे एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट आपके लिए लिया है ये पैसेज, और उसमें बताता है ये लाइन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। यहां पे इस बात में क्या दिखती है, फेथ, इस बात में क्या दिखता है, अगेन फेथ, कि कोई भी भुखमरी से नहीं मरता है, राइट, तो ये यहां पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए दैट्स व्हाई मैंने आपको यहां पे समझाया। मूविंग अहेड, आगे देखो, लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट करना क्या होता है, प्रिडिक्ट करना मतलब आप जब भविष्य के बारे में बता देते हो, है ना, आएगा आपका एग्जाम, एग्जाम के बाद में मतलब अभी से चलो कुछ ना कुछ अच्छा सा समझ में आने लग गया है आपको, तो आप ना जाते हो ज्योतिष ज्योतिष के पास में, या फिर जो पाम एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके, भाई लकीरें देख के बता दो हमको क्या होने वाला है हमारा जिंदगी में, अच्छी जिंदगी कटेगी, स्ट्रगल वाली कटेगी, या तो वो क्या करते हैं, वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो बताते हैं आपके भविष्य के बारे में, वो बोलेंगे 2027 में आपके साथ में ये होगा, तब तक वो होगा या नहीं होगा ये नहीं पता है, लेकिन हम उन प्रिडिक्शंस को इतने फेथ, ये फेथ है, ये ही फेथ है कि हम हर पे विश्वास कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं उनके ऊपर। तो प्रिडिक्ट करना मतलब क्या हुआ, भविष्य के बारे में आप बता देते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये फॉर्च्यून टेलर्स जो होते हैं, या फिर आप जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, तो फोरकास्ट करना मतलब क्या, प्रिडिक्ट करना, पहले ही बता देना कि क्या होने वाला है। ओके, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जैसा कि लेंचो ने मतलब प्रिडिक्ट कर दिया था कि अभी नॉर्थ ईस्ट साइड से क्या होगी, बारिश होगी, और वही होने लगा, और लेंचो हो गया खुश, खुशी में झूमने लगा इन द नॉर्थ ईस्ट, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट साइड में, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच करते हुए आते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि घने बादल आ रहे हैं, अब तो बारिश होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर भी बड़ी ही सुहानी सुहानी, बारिश होने से पहले जो सुहाना मौसम होता है ना, बस उसी को इंजॉय करो, वही यहां पर चल रहा है।
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जब ऐसा मौसम होता है, हम भी घर में होते हैं, चाहे उदास हो रहे होते हैं, चाहे कुछ भी कर रहे होते हैं, जैसे ही लगता है काले घने बादल छा रहे हैं और अब बारिश होने वाली है, हम बाहर जाकर के ऐसे हाथ फैला करके अपने आप को टाइटैनिक का हीरो समझ के ना ऐसे शाहरुख खान की तरह क्या करते हैं, सांस लेते हैं कि आहा मजा आ गया. एंड दैट इज टू बी डन, वो करना भी चाहिए, इंजॉय करो नेचर को भी. सो तो क्या है, बिना किसी रीजन के कौन लेंचो, द मैन कौन है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन आ जाए इस एक्सट्रैक्ट में कि द मैन इज यूज फॉर हुम, द मैन इज यूज फॉर लेंचो. किसके लिए यूज किया गया है, लेंचो के लिए यूज किया गया. चलिए नाउ वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई रीजन नहीं था, सिर्फ वो सिर्फ किसके लिए, ये अश्योरिटी लेने के लिए, उसका आनंद, प्लेजर मीन्स व्हाट, आनंद एंजॉय करने के लिए, जॉय रेन का. ओके, व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया उसने कहा दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. आगे जाके आपको बताऊंगी मैं इन कॉइन्स को एज अ सिंबल, जो आपके इस चैप्टर में सिंबल्स यूज किए गए हैं उन सिंबल्स में से ये एक कॉइन वाला पार्ट भी आता है. यहीं पर देख लीजिए बिग ड्रॉप्स को किस तरीके का सिंबल बताया उन्होंने, 10 सेंट पीसेस का, और जो लिटिल वंस हैं उनको 5 का. यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्वेश्चन आता है अगर दैट लेंचो ने किसको, इन इंग्लिश आई विल टेल यू लेटर, बट पहले हिंदी में सुन लो, दैट लेंचो ने किसको न्यू कॉइन्स का चिन्हित किया था, दैट मींस लेंचो यूज्ड न्यू कॉइन्स फॉर हुम और टू विच दिस वाज सिंबलाइज्ड, न्यू कॉइन्स, इट वाज सिंबलाइज्ड फॉर रेन ड्रॉप्स, और रेन ड्रॉप्स वर सिंबलाइज्ड एज न्यू कॉइन्स. यहां पे बात हुई. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिग ड्रॉप्स वर सिंबलाइज्ड विद 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस वर सिंबलाइज्ड विद 5 सेंट पीसेस. हो गया, यहीं पे इतना ज्यादा नहीं, गहन में नहीं जाना है, बड़े आसानी से याद कर लेना. Now see, अब क्या हुआ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इतनी ज्यादा ओलावृष्टि हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, दैट अब परेशानी हो गई. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और सारी फसल खराब हो रही थी. एक्सक्लेम द मैन, अगेन द मैन इज लेंचो हियर, मैन कौन है, लेंचो. ओके, आई होप इट पासेस क्विकली, कि बस ये फटाफट से अब खत्म हो जाए, मतलब बारिश आनी चाहिए, उसकी भी कितनी तमन्ना की थी और अब वापस हमने हमारी इच्छा चेंज कर ली. बिल्कुल, लेंचो ने भी कह दिया कि अब बस बारिश खत्म हो जाए, मतलब हमें जितना चाहिए उतना ही दो भगवान, उससे ज्यादा कम होते ही हम लोग परेशान हो जाते हैं. वैसे ही हुआ यहाँ पे, वो बोल रहा बस चली जाए ये बारिश, अब बस बहुत हुआ. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी. फॉर एन आवर द हेल, हेल मीन्स क्या होते हैं, ओले. आपने देखे होंगे बड़े बड़े ऐसे बर्फ के ओले गिर जाते हैं, है ना, और हिंदी में तो एक कहावत भी है कि सर मुंडवाते ही ओले गिरना, तो ओले पता है ना आपको क्या होते हैं, चलो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स को कहा जाता है. सो एक घंटे तक क्या हुआ, हेल रेन ऑन द हाउस, मतलब कि ओले घिरते रहे. एंड द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड और द होल वैली, हम सब जगह बात कर रहे हैं, सब जगह ये हुआ. द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विद सॉल्ट. अगेन एक सिंबल आया है आपके लिए, सिंबल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं. तो पहला सिंबल हमने देख लिया किसका, न्यू कॉइन का. सेकेंड सिंबल कौन सा है, दैट इट इज कवर्ड विद सॉल्ट. तो सॉल्ट, ये देखो नमक ने से क्या कर लिया है, ढक लिया हो ऐसा लग रहा है यहां पे, बट इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअली हेल स्टॉर्म. व्हाट इट इज एक्चुअली हेल स्टॉर्म. सो हेल स्टॉर्म को सिंबलाइज किया गया है फॉर दैट. ओके, चलिए मूविंग अहेड. तो हो गया जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, और क्या हुआ, उसकी बजाय उल्टा हो गया. कॉर्न्स यानी कि जो फसल है वो सारी खराब हो गई और ये उदास हो गए हैं हमारे लेंचो. लेट्स रीड इट क्विकली. नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, यानी कि इतनी ज्यादा बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, हेल स्टॉर्म हुआ कि एक पत्ती भी ना बची, एक पत्ता जो होता है ना, एक लीफ, वो भी नहीं बचा. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गए थे. एंड द फ्लावर्स, देन द फ्लावर्स were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Lencho ki jo atma hai, soul means kya hota hai, atma, uske antaratma, wo bahut dukhi ho chuka tha aur use sirf aur sirf kya dikh raha tha ki ab kuch khane ko nahi hai, ab hum log kya khayenge, hum zinda kaise rahenge. Yahi cheez dekho, jo agar hum baat kare parents mein, agar hum
पेरेंट्स में भी फादर की बात करते हैं ना, तो उनका ज्यादातर सोच ये रहता है कि मुझे घर चलाना है, हाउ आई हैव टू फीड, वेयर आई हैव टू अर्न मोर, ये सारी चीजें दिमाग में रहती है ना उनकी। ऑब्वियसली आपने भी देखा होगा कि वो हमेशा ज्यादातर ये सोचते हैं कि मुझे मेरे परिवार का पालन पोषण करना। तो उसी तरीके से यहाँ पे लेंचुक भी इसी सोच में मतलब उदास हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब वो खड़ा है, उसका जो खेत है जो पूरा खत्म बर्बाद हो चुका है और उसमें एक भी पत्ता नहीं रहा है, इवन फ्लावर्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके, वहां बीच खेत में खड़े होकर वो अपने सन यानी बच्चों को क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लॉकेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट आ चुका है, सिंबल है यहाँ पे अगेन, व्हाट हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यानी आपको पता है ना प्लेग क्या होता है, जैसे महामारी फैलती है ना उसी तरीके से, तो वो यहाँ पे एक सिंबल दे रहा है और वो बता रहा है चिन्ह, मतलब इसको उन्होंने उससे क्या किया है, बताते हुए कंपेयर करते हुए बोला है कि अगर अ प्लेग ऑफ लकट्स आता तब भी दैट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा तो कम से कम छोड़ के जाता, लेकिन इसने तो पूरा तरीके से खराब कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में कोई भी कॉर्न नहीं होगा, एंड दैट वॉज सो सॉरोफुल, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितनी हमने मेहनत गई किया सब पानी में, बोलते ना वही इंग्लिश में लिखा है, तो why not you switch to the sentences which you can speak in English like this? आप ऐसे sentences बोल सकते हो, that all our work for nothing, मतलब हमने जो किया उसका कुछ भी परिणाम ना निकला, there was no one who can help us, अब तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, we will all go hungry this year, कि इस साल तो पूरा हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। देखो कितनी बड़ी दुविधा वाली बात हो चुकी है, परेशान हो चुका है लेंचो, और ये सिचुएशन आप लोग भी समझ सकते हैं, जब आपने देखा होगा कि इस साल में बहुत ज्यादा ऐसे टाइम पे बारिश आई थी जब फसलें इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन हम एंजॉय कर रहे थे, है ना, हम एंजॉय करते कि वाओ बारिश आई, गाड़ी लेके निकलो यहां वहां, तो वो मौसम हमें सुहाना लग रहा होता है, लेकिन कितनी फसलें बैक अगर हम बात करें, कितना नुकसान होता है, वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं उस वक्त, बट रियलाइज करो उन सारी चीजों को। अगर आप फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आप एक किसान के परिवार से हो, तो आपको पक्के से अच्छे से पता होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट स्टडी हार्ड एंड हेल्प योर पेरेंट्स एज वेल। ओके, चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। गॉड ही ओके नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, इसके बाद में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ। सो ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग, उसके पास में कुछ भी नहीं था, देन ही हैड एन आइडिया, उसके बाद में उसको ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूँ। तो हम जब दुविधा में होते हैं, हम कभी मतलब किसी फ्रेंड की हेल्प लेते हैं, कभी किसी रिलेटिव की हेल्प लेते हैं, कभी किसी कजन की, किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं, और फिर थक हार जाते हैं। मतलब लाइफ में मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है बहुत बार, ऐसा आपको भी रियलाइज होगा कि हम ना सबको अपना मानते हैं, वी ट्रस्ट ऑन एवरीबडी एंड वी थिंक जब हम परेशानी में होंगे तो वो हमारा साथ देंगे, वो मुझे इसमें से बाहर निकाल देंगे, बट एट लास्ट आपको पता चलता है कि आपको सीधा किससे रिलेशन बनाना है, कनेक्शन किससे बनाना है, तो वो है गॉड से, राइट। तो इधर लेंचो इतने ज्यादा डिटरमिंड थे, इतने ज्यादा फर्म थे, उनको इतना विश्वास था भगवान पे, तो वो इधर उधर किसी से भी हेल्प मांगने नहीं गए, उन्होंने सीधा सीधा खत लिख डाला। तो लेंचो ने क्या किया, जब ये सब देखा वो अपसेट हो चुका, एंड अपसेट होने के बाद में उन्होंने एक खत लिख डाला किसे, गॉड को। ओके, ही डायरेक्टली रोट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। अब यहां पे लेंचो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वो लिखना जानता था, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, दैट ही वाज नॉट सो मच एजुकेटेड, बट यस उसे लिखना आता था, तो उसने एक खत लिखा गॉड को। ओके, और गॉड को खत लिख के उसने क्या मांगा, उसने गॉड को एक खत लिखा और उसने कहा, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर एंड आई नीड 100 pesos। तो ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना याद रखना है कि उसने किसको खत लिखा था, गॉड। ओके, टू गॉड लिखा था, क्या लिखा था उसने इस खत पे, टू गॉड लिखा था उन्होंने, और लेंचो ने क्या लिखा अंदर कि उसे 100 pesos की जरूरत है ताकि वो अपनी फील्ड को वापस से वहां पर क्या कर सके, अनाज लगा सके, कॉर्न की सो कर सके, ये सारी चीजें लिखी, और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि वापस उसमें क्रॉप ना आ जाए, वो वापस से फलने फूलने ना लग जाए, तब तक उसको जिंदगी का गुजारा भी करना है, तो उस टाइम तक। देन ये देखो यहाँ पे, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू डाउन। ओके, अब वो टाउन की तरफ निकल गया, उसने क्या किया, वो गया उस आपने लेते हैं लेटर बॉक्स रेड कलर का, अब तो दिखने को ही नहीं मिलते हैं, पहले तो ये भी एक तरीके से मतलब आपको पुरानी चीजों को याद दिलाने वाली चीजें, आजकल नहीं दिखते हैं, आजकल तो भाई मैसेज कर दिया और बात खत्म हो गई, वो फीलिंग्स नहीं रही, लेटर बॉक्स को देख के भी फीलिंग्स अलग आती थी। हमको याद है बचपन में हम लोगों को लेके जाया करते थे जहां पे ये पूरा पोस्ट ऑफिस होता है, जैसे इंडियन पोस्ट ऑफिस से अगर हम बात करें, वहां का पूरा हमको विजिट करवाया जाता तो बहुत अच्छा लगता था, आजकल
पर्पल भी है, नो डाउटली, बट इतना नहीं. तो वहां पे लगा हुआ है एक रेड कलर का, क्या है, लेटर बॉक्स, और उसने अपना टू गॉड करके जो एनवेलप पे लिखा है उसे. अब कौन आएगा? अब एंट्री होगी पोस्टमैन की, बिकॉज पोस्टमैन क्या करते हैं, लॉक ओपन करते हैं और सारे खत निकालते हैं. उनमें से सारे खत निकालते हैं तो उसको एक एनवेलप दिखाई देता है और उस एनवेलप पे लिखा है टू गॉड. तो पोस्टमैन सोचता है भाई गॉड को किसने लिख दिया और गॉड तो कैसे पहुंचाया जाएगा. सो व्हाट ही डज इज, वो पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमास्टर को दे देता है वो खत, कि इसके ऊपर तो एड्रेस भी नहीं लिखा है, अब इस खत का क्या करें. देन व्हाट इज गोइंग टू बी डन, क्या होगा, पोस्टमास्टर क्या करेंगे, पोस्टमास्टर उसको क्या करेंगे, पोस्टमास्टर अभी उसको खत को पढ़ेंगे. ओके, सो दैट इज हियर. सो one of the employees who was a postman and also helped the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to god. unme se ek matlab sab jane hansne laga ki dekho koi aisa diwana pagal hai jisne god ko khat likha hai, itna vishwas karta hai ki god ko khat likha hai, aur hans rahe the wahan par. and then unme se ek jaate hai postmaster ke paas mein aur unko dete hai ki dekho ye khat aaya hai. postmaster usko read karenge aur postmaster ke bare mein yahan pe jo important parts hai wo maine yahan pe likhe underline bhi karti hu. why so, because आपको कैरेक्टर्स में ये पॉइंट लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो पोस्टमास्टर क्या थे, ही वाज अ फैट एंड एमिएबल फेलो. एमिएबल मतलब क्या होते हैं, जो बहुत ही लाइक बोलते ना सुशील टाइप के, सौम्य टाइप के, फ्रेंडली जो नेचर होते हैं, सबका भला चाहने वाले, उनको कहा जाता है. सो ही वॉज एमिएबल. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब सौम्य स्वभाव के थे. तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स जो है वो जरूर से याद रखना अगर कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के बारे में आ जाए आपके पास में तो. और वैसे क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ पोस्टमास्टर हेल्प्ड लेंचो. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो भी आपको स्टार्टिंग में यही लिखना है दैट पोस्टमास्टर हु वाज अ फैट एंड एमिएबल फेलो. आप ये भी लिखोगे फिर आप बताओगे तो भी आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे यहां से. नाउ मूविंग अहेड, तो ही आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लग गए अचानक से कि भाई खत लिखा है, भगवान को खत लिखा है, किसी को देखे है तुमने आज तक, कोई ऐसी बातें करता है तो भी उसे पागल कह देते हैं कि अरे पागल हो गया क्या, ऊपर देख सितारों में देख के बातें करता रहता है, रात को भगवान से बातें करता रहता है, कर देते ना घोषित, वैसे वाली बात है. Then what happened? उसने इमिडिएटली एक सोल्यूशन सोचा, उसने कहा मुझे एक पेन, एक पेपर, इंक चाहिए. ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, उसने कहा मुझे पेन और इंक के अलावा भी चाहिए, और वो क्या है, आप लोगों की मदद. एंड दैट्स वॉट हियर इज. सो टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, वॉट faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God. कि काश, पोस्टमास्टर कहता है इतना काश मुझमें भी होता कि मुझमें भी फेथ होता, मैं भी भगवान में बिलीव करता. और उन्होंने क्या देख लिया, उन्होंने कहा ये फर्म डिटर्मिनेशन है, यानी कि ये एकदम दृढ़ इच्छा वाला, जो भगवान में पूरा, मतलब इसमें कोई डिगमगाने वाली बात नहीं है, भगवान है या नहीं है जो हम लोग क्वेश्चन करते रहते ना वो नहीं थी. लेंचो तो सोचता है ही है. देन सो उन्होंने लिखना, उन्होंने इसका आंसर देना स्टार्ट किया, उन्होंने सोच लिया कि मैं इसका क्या करूंगा, आंसर दूंगा. बट जब उनको पता, उन्होंने कहा ये देखो ये आ गया, देखो देखो, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट इफ ही नीडेड समथिंग मोर, नॉट ओनली इंक एंड पेपर. सिर्फ उनको इंक एंड पेपर नहीं, उनको मोर देन गुडविल भी चाहिए. वो क्या था, उन्होंने रेजोल्यूशन निकाला कि हम अपनी सैलरी में से, वट वी आर गोइंग टू डू, सम पार्ट हम सैलरी में से निकाल करके उसको दे देंगे, कुछ कुछ रुपए निकालेंगे तो हमारे पास में पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और वो लेंचो तक पहुंचा दिए जाएंगे. सो हियर इट इज. देन वॉट हैपेंड कि ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. पोस्टमास्टर ने कहा भाई अकेले तो मैं भी नहीं दे सकता, तो सबने मिलकर के यहाँ पे पैसे दिए. ही हिमसेल्फ गेम पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ His were obliged. Obliged का मीनिंग क्या होता है, आभारी थे, कि इसी बहाने हमने भी किसी की मदद की फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी मतलब क्या होता है, हम जब दान देते हैं, है ना, तो चैरिटी मतलब दान देना, कि हमने भी किसी की हेल्प की, मदद किया उसके लिए. यहाँ पे दूसरे जो लोग थे जिन्होंने हेल्प की वो भी obliged थे. Then it was impossible for him to gather together the 100 pesos. 100 pesos तो नहीं ला पाए थे वो. Then what happened? उनके पास हुए सिर्फ और सिर्फ 70 pesos. अब उन्होंने 70 pesos को क्या कर दिया, उस एनवेलप में डाल दिया और वो लेंचो के एड्रेस पे उन्होंने सेंड कर दिया. राइट, द मनी इन एन एनवेलप लिटिल मोर देन हाफ. यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आगे आएगा आपके लिए 70 pesos वाला, जो मैंने यहाँ पे क्लियर किया. यहाँ लिखा है लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 100 का हाफ करो, 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 100 का हाफ होता है 50, और 50 प्लस था. क्या था, 50 प्लस था, लेकिन आगे जाके जब लेंचो वापस से लिखेगा लेटर तब हमें पता चलेगा.
और उसने वहां पे सिंगल वर्ड लिखा था, यानी देखो वापस एक क्वेश्चन आता है कि अगर लेंचो ने लिखा तो लेंचो ने लिखा था टू गॉड, लेकिन जब पोस्टमास्टर ने एज अ गॉड का रिप्लाई किया था तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गॉड लिखा था, उस लेटर पे क्वेश्चन आता है। देन मूविंग अहेड, आगे आता है देखो बात। अब क्या हुआ, जब इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, क्या हुआ था यहां मैं बताती हूँ आपको। लेंचो ने रिसीव किया लेटर, और लेंचो ने जैसे ही रिसीव किया लेटर तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया। वो गुस्सा क्यों हुआ, बिकॉज ही फाउंड ओनली 70 पैसोज इन दैट, उसको देखा कि सिर्फ 70 पैसोज ही हैं। वो अभी लेटर में लिख के बताएगा कि गॉड इसमें तो सिर्फ 70 पैसोज ही थे। सो इमिडिएटली उसने क्या किया, वो गया ही वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और लेंचो ने कहा मुझे पेपर दो और इंक, इंक मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट अ पेन, तो उसने पेन मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल उसने एक खत लिखना स्टार्ट कर दिया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो लाइक दिस। जब हम गुस्से में होते हैं एंग्री वाला, तो एंग्री में क्या होता है ब्रो, ब्रो मतलब ये रिंकल करना, झुरिया, तो रिंकलिंग मतलब क्या हुआ, झुरिया, यानी कि ऐसे जेस्चर दिया उसने, इस तरीके से जेस्चर दिया। Caused by the effort he had to make to express his ideas, ताकि वो ऐसे लिख रहा था ना, जो भी लिख रहा था तो वो पता चल रहा था उसके facial gestures से कि वो कितना गुस्सा हो रहा है। When he finished, he went to the window. अब मैं बताती हूँ, फिर हमारी तरह एकदम देसी आदमी लेंचो, वो क्या किया, जब उसने लिख दिया खत, अब वो लेने गया विंडो की तरफ गया, और वहां से उसने क्या लिया, स्टैम्प। स्टैम्प तो चिपकाना पड़ता है, अब स्टैम्प चिपकाने के लिए क्या यूज करते हैं, स्टैम्प चिपकाने के लिए उसने स्टैम्प लिया, लिख किया और चिपका दिया। समझ में आया, गम, फेविस्टिक, ये सारी चीजें यूज नहीं की, फेविकॉल वगैरह, उसने इसको लिक किया और चिपका दिया। पहले जमाने में ऐसा होता था, मैंने भी देखा है, वो बोलते थे इसमें पहले से गम लगा हुआ आता है, इसमें थोड़ा सा पानी लगाओ और चिपक जाता है। अब ये कितना ट्रू है या नहीं वो तो आप मुझे बताओ, आपने भी ट्राई किया है कि नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कि आपने भी कभी ऐसे सारे ट्राई किया। वो टैटू वैटू नहीं आते थे पहले, कोई बबल गम्स के साथ में टैटूज आते थे, उन टैटूज को भी मैंने देखा है बहुत सारों को, आप में से भी काफी होंगे जिन्होंने उस टैटू को ना लिख करके ही चिपकाया है। चलो, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ओके सो दिस वॉज डन, ठीक है, उसने अपने आइडियाज बता दिए। देन Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. मैंने जो बात बताई वो यहां मैंने लिख दी है। अगेन मैंने आपको बता दिया है कि वो एंग्री हो गया जब उसने क्या किया था, पैसे गिने थे। जैसे ही उसने पैसे गिने थे तो वो गुस्सा हो गया था, क्योंकि वो कम पैसे थे, राइट, एंड उसको लगा कि वो तो गॉड ने भेजे हैं। तो उसने पर फिर भी क्या कहा, उसने कहा गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान से गलती नहीं होगी, भगवान तो मुझे 100 पैसोज देंगे। यानी फिर से उसका फेथ यहाँ पे आता है, फर्स्टली फेथ था कि भगवान को गॉड को लिखूंगा लेटर और मेरे पास में रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आया तब भी ये फेथ है कि 100 मांगे तो 100 देंगे। अरे अभी तुम ना बैठ के वो लेटर मत लिख देना, भगवान मेरे बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 ला देना, मेरे को 100 मार्क्स दे देना, ऐसे नहीं करना है, मेहनत भी करनी है तुम्हें। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, और वो कहता है भगवान मुझे मना भी नहीं कर सकते। डिनाई करना मीन क्या है यहाँ पे, वो मना नहीं कर सकते, जितना मैंने मांगा है उतना वो मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। Then what happened? उन्होंने वापस से गॉड को लिखते हुए मेल बॉक्स में डाल दिया। किसने? लेंचो ने। लेंचो ने एक खत लिखा और वो खत अभी जो मैंने आपको बताया ना, रिंकल्ड आईज को ऐसे ऐसे आईब्रो को करके और लिखा, गुस्से में लिखा, और वो उसने मेल बॉक्स में डाला। मेल बॉक्स में डाला, फिर पोस्टमास्टर ने उसे ओपन किया। अब उसमें क्या लिखा था, वो इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आता है कि क्या लिखा था खत में। मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट आई कैन से फनी पार्ट कम्स हियर। गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Lencho ne kya likha? Lencho ne galiyan de di kisko? उन्हीं को जिन्होंने उनकी इनडायरेक्टली मदद की है। तो लेंचो ने लिखा, गॉड अभी आपकी मैंने जितना आपसे पैसे मांगा है ओनली उनमें से कितना 70 पैसोज मिला। तो मैंने आपको बोला पहले खत से मैं पता नहीं था, फर्स्ट लेटर में तो उसका पता नहीं था, उसने क्या कहा था मोर देन हाफ वाला पार्ट, लेकिन यहाँ क्लियर हुआ कि उसको कितना मिला है, सिर्फ 70 पैसोज मिला है। सेंड मी द रेस्ट, वो कह रहा है मुझे वापस जो बात की बचा हुआ है वो भी मुझे दे दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे मेरी फैमिली को खाना खिलाना है, अदरवाइज हम हंग्री रह जाएंगे, हम स्टार्वेशन से मर जाएंगे। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मेल से मत भेजना, क्योंकि मेल से भेजोगे ना तो ये पोस्ट ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। यानी बंच किसके लिए, एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है, बंच इज यूज फॉर कलेक्टिव नाउन, बंच ऑफ कीज होता है, राइट, तो उसी तरीके से ये कलेक्टिव नाउन के लिए होता है। नाउ क्रूक वर्ड, क्रूक मींस क्या होता है,
If you remember, there was a chapter in class 7th that was detective, expert detectives. मिस्टर नाथ देयर वॉज मिस्टर नाथ और उस मिस्टर नाथ के लिए एक वर्ड बार बार यूज किया था माया ने, दैट वॉज क्रूक, ही वॉज अ क्रूक, ही वॉज अ क्रिमिनल. तो देखो वर्ड्स वही आ रहे हैं, आपको याद कितना है वही मैटर करता है. सो क्रिमिनल हर, तो कहता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है वो क्या है, क्रूक है. यहाँ पे मैंने क्रूक का मतलब भी लिख दिया है, जिसने कोई क्राइम किया हो, धोखेबाज भी कह सकते हैं. एंड समवेयर यू कैन सी दैट इस तरीके से क्रूक होते हैं. और लेंचो लिखते हुए उसने ये पार्ट खत्म कर दिया. राइट, आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, बट येट नॉट द क्लास हैज एंडेड. यहाँ पे क्लास खत्म नहीं होती है. जो पूरा लेटर ऑफ टू गॉड है ये मैंने पूरा समझा दिया है आपको, किसने कहा क्या क्या लिखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे वो मैंने आपको शेयर कर दिया यहाँ पे. देन जो क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट वाला पैसेज आ सकता है वो भी इंपॉर्टेंट आपको बता दिया. बट आई हैव सम क्वेश्चन फॉर यू सो दैट यू कैन डू प्रैक्टिस. बिकॉज हम क्या करते हैं, हम सिर्फ स्टोरी समझ जाते हैं और हमें लगता है कि एग्जाम आएगा ना तब एग्जाम में हम उसको अटेंड कर लेंगे. अब एग्जाम में आप क्या करते हो, एग्जाम में सोचते हिंदी में हो, लिखने को इंग्लिश में है, और वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है. आपको प्रैक्टिस ड्रिल करना है उसके लिए. एंड दैट्स व्हाई आई हैव सम रैपिड फायर राउंड क्वेश्चंस हियर, सो बी रेडी. आपको एग्जाम की प्रिपरेशन आज से अभी से करनी है. राइट, नजदीक आ रहे ना एग्जाम, तो इसीलिए हेल्पफुल रहने वाला है आपके. यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एंड डेफिनेटली यू हैव टू आंसर मी इन कमेंट सेक्शन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, वेयर डिड द लेंचो एक्सपेक्ट the downpour to come from. मैंने आपको direction के बारे में बताया. I told you about the direction. So यहाँ पे question पूछ रहे हैं, क्या question पूछ रहे हैं ये. He is asking that Lencho expect क्या करता है, वो क्या सोचता है कि कहाँ से downpour, downpour के लिए word क्या था, rainfall होना, कहाँ किस direction से आएगा. A north, B south, C north east, और D if I say that is south east. तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे विच वन इज करेक्ट आंसर, ए बी सी या डी. आप क्वेश्चन वन लिखेंगे डेफिनेटली और क्वेश्चन वन का आंसर, एंड इफ इट इज पॉसिबल तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को एज अ वन लाइनर आंसर करके भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट वॉज द ओनली होप ऑफ लेंचो, लेंचो के पास में सिर्फ एक क्या होप थी वो आपको बताना है. सो द ओनली होप वी आर हियर आस्किंग फॉर, ए हेल्प फ्रॉम अदर फार्मर्स, कि वो दूसरे फार्मर्स के पास में, किसानों के पास में जाके उनसे मदद ले ले. हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, किसानों की मदद गवर्नमेंट सरकार भी करती है तो वो सोचता है कि सरकार से जाके मदद ले ले, या हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान उसकी हेल्प कर देंगे, या नन ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली. एंड इफ यू नो हाउ तो हाउ का भी आंसर लिखना है आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड लेंचो बिकम्स एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. So this is question number 3 and it says कि लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता है जब उसने जो मनी है उसे काउंट किया था, पैसे काउंट कर रहा होता है that time. Why he became angry and when he was writing the letter, why his eyebrows were wrinkled. So we have the answers and we can write it. Okay, लेंचो ने रिसीव किया कितना, 40 pesos less than what he had demanded. So how much he had demanded वो भी लिखोगे आप, और उसने कितने 40 pesos कम किया था, या लेंचो रिसीव 30 pesos less, या 30 पैसे कम मिले थे उसे. Lencho received 100 pesos less than what he had demanded and Lencho received 70 pesos less than what he had demanded. Okay, so here देखो, यहाँ पे आप इसको तो कर दोगे पक्का, क्योंकि 40 का तो नाम ही नहीं आया, अभी अभी सुना है, तो आपको पता है 100, 70 और 30 का काम चल रहा है यहाँ पे. अब आप इस सेंटेंस को कितना अच्छे से समझे हो, कितने अच्छे से उसको समझ के याद भी कर लिया और यहीं पे आंसर दे दिया है, वो हमारी बात चलती है. नेक्स्ट इज, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, ये सिंबल वाला क्वेश्चन है आपके लिए, कि उसने किससे कंपेयर किया था कि ये जो डैमेज है, ये जो खराब हो गई है फसलें, ये किससे कंपेयर किया था. विद अटैक बाय रैट्स, प्लेग ऑफ लॉक्टस, रेन ड्रॉप, एंड नन ऑफ द अबव. सो क्वेश्चन एंड ऑप्शन ए बी सी डी ऑल आर हियर. And I hope that you enjoyed this session. Definitely you have enjoyed this and you are going to do what? You are going to share it, like it and as well as comment it. आपसे मिलूंगी मैं in the next class. अच्छा अच्छा अच्छा, जाने से पहले, इतना जल्दी भी नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा. जाने से पहले इतना सा बता देना, next आपको क्या चाहिए, poem चाहिए क्या, chapter चाहिए, comment section में जरूर से बताइएगा which poem और which chapter, because exams are going on and और हो सकता है आपकी exams upcoming हो, तो आपको जिसमें भी help चाहिए, I'm always there, don't you worry.
एट ऑल नहीं वरी करना है। आपको समरी करवा दूंगी, क्विक रिवीजन करवा दूंगी, क्वेश्चंस करवा दूंगी, जो कहोगे बट कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ऐसे हम ना अंतरात्मा तो आया नहीं कि भाई पर समझ लिया आपको क्या करना है, अभी कनेक्शन भी तो दूरी का रह गया, लाइव और वर्चुअल वाला है। तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप मुझे विच चैप्टर और विच पोम यू वॉन्ट, और वही मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी। टिल देन टड़ास, बाय बाय।